संपूर्ण भारत के मौसम को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और भारी बारिश और तूफान को लेके मौसम विभाग ने की 12 राज्यों में रेड अलर्ट की चेतावनी जारी। वहीं दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में होगी भीषण वर्षा और ओलावृष्टि। और अगर आप भी अपने राज्य, जिले, गाँव के ताजा मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य, जिले, गाँव का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश तथा ओले गिरने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में छिटपुट हिमपात हो सकता है। साथ ही सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, बाकी उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर और पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में गुरुवार को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। देखते ही देखते काली घटाई छा गई और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। कई जगह ओले भी गिरे जिससे तापमान में गिरावट हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में इस स्थिति की कोई संभावना नहीं जताई थी। हालांकि कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की बात जरूर कही गई थी। आज भी मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट या भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल के दौरान पूर्वी भारत में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में आज छिटपुट ओलावृष्टि होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के दौरान भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 और 2 अप्रैल को भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में मार्च का महीना 15 वर्षों के दौरान तीसरा सर्वाधिक बारिश वाला रहा है। माह की औसत सामान्य वर्षा 17.1 मिलीमीटर है जबकि पिछली रात ये 51.8 मिलीमीटर यानी 300% से भी ज्यादा पहुंच गई है। अगर पिछले 15 वर्षों की बात की जाए तो 10 बार भी मार्च में वर्षा सामान्य नहीं रही है। इस वर्ष मार्च में भी 3 बार राजधानी सूखी ही रही जबकि 7 बार औसत से काफी कम वर्षा दर्ज की गई। स्काईमेट वेदर के मुताबिक मौसम में बदलाव की वजह से एक के बाद एक सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी गतिविधियां हैं। ये दौर अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक जारी रह सकता है। आज भी बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओले भी बढ़ सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देर रात आंधी तूफान और तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। कानपुर, लखनऊ समेत आसपास के जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लखनऊ में येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में ओलावृष्टि की भी संभावना है। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से मौसम में ठंडक आई है। हालांकि कानपुर सहित कई जगहों पर बारिश थमने के बाद हल्की धूप भी निकली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की थी। इसकी वजह से भूमध्य सागर से बार बार उठ रही चक्रवाती हवा जो पिछले 2 सप्ताह के दौरान 4 बार मौसम बदल चुकी है। मार्च महीने का पहला पखवारा गर्मी के नाम रहा लेकिन दूसरा पखवारे में समुद्र से उठी हवाओं में पूरा मौसम ही बदल दी। बेमौसम बरसात ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। कानपुर और आसपास का इलाका कम प्रभावित हुआ लेकिन अन्य जिलों में मौसम कहर बरकर बरपा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। गुरुवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। इससे एक बार दोबारा ठंड लौट आई है। देहरादून और मसूरी में गुरुवार रात जोरदार बारिश हुई। इस दौरान मसूरी में ओलावृष्टि भी हुई। ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की, पौड़ी व टिहरी में रात से हल्की बारिश जारी रही जिससे मौसम में एक बार फिर से हल्की ठंडक घुल गई है। रुद्रप्रयाग में घने बादल छाए रहे और बारिश हुई। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार रात के समय हल्की वर्षा हुई। शुक्रवार की सुबह यहां बादल छाए रहे, वर्षा के आसार बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी वर्षा ओलावृष्टि को हो सकती है जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को सुबह से ज्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिली रही और तापमान में भारी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि रात को मौसम ने करवट बदली और दून समेत आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ झमाझम वर्षा हुई जिससे पारे ने गोता लगा। देहरादून में गुरुवार को सुबह से खिली चटक धूप के चलते सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। तापिश के साथ ही दिन में भीषण गर्मी का एहसास होने लगा। अन्य मैदानी क्षेत्रों में पारे में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। ज्यादातर क्षेत्रों में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके बाद मौसम ने करवट बदली और रात को ज्यादातर क्षेत्रों में बादलों ने डेरा डाल लिया। दून में तेज हवाओं के साथ ही तीव्र बौछारें पड़ी। कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गरजने के साथ ओलावृष्टि की भी सूचना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में आज शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। आज पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा, बर्फबारी और निचले इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात और वर्षा हो सकती है जबकि देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार,
आदित्यवार, उधम सिंह नगर और पौड़ी में झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ही कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा के विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए एक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाद के अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के विभिन्न जिलों में आंधी, वज्रपात और तेज हवा के आसार जताए हैं। बालासोर, भद्रक, जाजर, केंद्रपाड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सोनपुर, बलांगीर, अनुगुल, ढोंगक्लान, क्योंझर, मयूरभंज, बौद्ध और कंधमाल जिलों में एक या दो स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सतही हवा के झोंके आने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके अलावा पुरी, खोरदा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, नुआपाड़ा जिले में एक या दो स्थानों पर बिजली गिरने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं बुधवार राजधानी समेत प्रदेश में 1 अप्रैल तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज हवा चलेगी, बिजली चमकने के साथ ओले गिरने के भी पूर्वानुमान है। पटना समेत प्रदेश के 14 जिलों में आंधी बारिश के साथ बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उप हिमालय पश्चिम बंगाल से उत्तर ओडिशा तक एक ट्रफ रेखा बने होने के कारण प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, आंधी, पानी के साथ ओले गिरने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का पूर्वानुमान है। इन सभी मौसमी प्रभावों को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। मौसमी प्रभाव को देखते हुए राजधानी समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थानों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। वहीं शुक्रवार को उत्तर पूर्व भाग के सुपौल, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा, अरैया, पूर्णिया और कटिहार और दक्षिण पूर्व भाग के भागलपुर, बांका, जुमई, मुंगेर और खगड़िया में तेज आंधी और मेघ गर्जन के साथ वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के तलक तेवर को लेकर पटना समेत प्रदेश के 26 जिलों में तापमान में बुधवार में वृद्धि हुई। पटना के अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री, औरंगाबाद में 1.2 डिग्री, गया में 1.4 डिग्री, नवादा में 1.3 डिग्री, जमुई 1.3 डिग्री, वैशाली में 1.1 डिग्री, दरभंगा में 1 डिग्री, खगड़िया में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना के अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की वृद्धि होने के साथ 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बुधवार को किशनगंज जिले को छोड़ पटना समेत प्रदेश के अधिसंख्य शहरों के तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। पटना का तापमान 35.7, गया का 36, भागलपुर का 36.3, पूर्णिया का 35.1, दरभंगा का 34.4, सुपैल का 35.6, डेहरी 35.2, मोतिहारी 35.0, वैशाली का तापमान 35.4, औरंगाबाद का तापमान 35.9, बेगूसराय 34.8 सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आंधी पानी को लेकर खासतौर पर किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने फसलों, पशुओं के साथ स्वयं का बचाव करें, मौसम अनुकूल होने पर ही कार्य पूरा करें। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है। हालांकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज से एक बार फिर मौसम ने करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा, बर्फबारी की भी आशंका है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में धूप और बादलों की आगमिचौली जारी है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होने लगी है। ज्यादातर क्षेत्रों में दोपहर में तापिश महसूस की जा रही है। हालांकि सुबह शाम की हल्की ठंड बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में आज से अगले 3 दिन मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। आज पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा, बर्फबारी और निचले इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि शुक्रवार को बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात और वर्षा हो सकती है, जबकि देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी में झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ही कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक रांची जिले के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना जाहिर की है। वहीं बदलते मौसम के बावजूद अभी तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जिन 9 जिलों में मौसम में बदलाव होंगे उसमें रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा शामिल है। राज्य के कई जिलों में बुधवार को बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा 2 और 4 अप्रैल को बारिश की संभावना है। 1 से 3 अप्रैल तक मौसम सामान्य रहेगा। सबसे अधिक बारिश 2 अप्रैल को होने की संभावना है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बारिश की संभावना को देखते हुए किसान सावधान रहे, 2 दिनों तक खेतों से दूर रहे, वज्रपात में जान माल का नुकसान हो सकता है। मौसम साफ होते ही सब्जियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, पशुओं को खुले में न छोड़े, खराब मौसम को देखते हुए सब्जियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी। कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चली। पूर्वोत्तर भारत, बिहार,
बिहार, पूर्व और मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरा। देहरादून में गुरुवार को सुबह से खिली चटक धूप के चलते सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। तापिश के साथ ही दिन में भीषण गर्मी का एहसास होने लगा। अन्य मैदानी क्षेत्रों में पारे में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। ज्यादातर क्षेत्रों में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके बाद मौसम ने करवट बदली और रात को ज्यादातर क्षेत्रों में बादलों ने डेरा डाल दी। दून में तेज हवाओं के साथ ही तीव्र बौछारें पड़ी। कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि की भी सूचना। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाद में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के विभिन्न जिलों में आंधी, वज्रपात और तेज हवा के आसार जताए हैं। मौसमी प्रभाव को देखते हुए राजधानी समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थानों पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा, बर्फबारी की भी आशंका है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होने लगी है। ज्यादातर क्षेत्रों में दोपहर में तापिश महसूस की जा रही है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।